जम जाता है अंदर पानी शानी नहीं नहीं अब नहीं बिल्कुल जनवरी में अच्छा अच्छा असल गाड़ी नहीं आ जनवरी में काम चला ना अंदर पूरा चला जनवरी दिसंबर नवंबर सारी मशीन की बाहर निकाल दो फिर भी नहीं शिवकुमार सर उनके अलावा इस चंद्रास ऐसे चंद्रास यहाँ पे मौजूद थे तारीफ के लायक होगी मेगा इंजीनियरिंग के जितने भी वर्कर्स हैं या फिर इंजीनियर्स हैं जो
बैठेगा इधर, आज का दिन बैठेगा आपके साथ। तेज होने लाओ स्पीड में दुख जो है 0 पॉइंट के आसपास खड़े हैं और रोड जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट लिंक है और जो हम देख रहे हैं अपने इस साइड से विजय के साइड से उन्होंने सिर्फ लिंक ही नहीं किया बल्कि वाइडनिंग प्लस मेंटेनेंस बिल्कुल ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए बिल्कुल ही फिजिबल है और सूटेबल भी है। लेकिन अभी हमारे उस साइड से जो बैकन काम कर रही है वहाँ पे अभी हमें थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना होगा। लेकिन रोड तो लिंक है लेकिन कुछ एवलांचेस अभी जो है रिसेंटली आए हैं तो उनका मेंटेनेंस और उनका वाइडनिंग का काम भी वहाँ से चल रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी, अभी DC साहब भी और मैं भी अपने UT एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिकमेंड करेंगे जो हमने यहाँ पर एसेस किया, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है इनका एक ज्वाइंट नोटिफिकेशन निकलेगा हमारा UT लद्दाख और JK अपने JK के डिविजनल कमिश्नर साहब दोनों कंसल्ट करके एक नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो हम ये हमारा ये रिकमेंडेशन होगा कि विद इन वन वीक जो है एक नोटिफिकेशन निकले जिस पर ट्रैफिक मूवमेंट हो और उसमें जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट जैसे ट्रैफिक है हमारा पुलिस है दोनों साइड से हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी एस्टेब्लिश हो जाए तो वेल इन टाइम उनको एक टाइम भी मिलना चाहिए उनको सबको एस्टेब्लिश करने की। हालांकि हमारे यहाँ से मीना वर्क में हमारे पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप हो चुका है तो इसी तरह से DC साहब जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा स्क्रीनिंग पॉइंट्स वगैरह है, इसी तरह सोनामर्ग ट्रैफिक वगैरह है उनको भी एक समय मिलना चाहिए। उन सबको देखते हुए हमारी ये रिकमेंडेशन होगी कि विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक जो है ये लाइट व्हीकल के लिए थ्रू हो जाना चाहिए और इसमें कुछ दिन के लिए हमें जो है ट्रैफिक मूवमेंट अर्ली इन द मॉर्निंग क्योंकि कुछ जगहों पे अभी भी एवलांच का खतरा है तो कुछ इसको मद्देनज़र रखते हुए जो ट्रैफिक का मूवमेंट हो वो अर्ली इन द मॉर्निंग होना चाहिए, वो भी रिकमेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लाइट व्हीकल का ट्रैफिक मूवमेंट 1 वे वो हम कोशिश करेंगे ऊपर UT एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से बात करके उनका मूवमेंट शुरू हो और इसी हिसाब से जो हमारे विजेक वगैरह से रिकमेंडेशन भी लेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विजेक के टीम जो चीफ इंजीनियर से लेकर इनके जो हमारे ऑपरेटर तक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि सिर्फ लिंक ही नहीं किया बल्कि उनके साथ साथ मेंटेन भी किया है क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब हम ट्रैफिक मूवमेंट छोड़ देते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि वाइड रोड जो है प्रॉपरली वाइडनिंग नहीं किया होता था, साफ नहीं किया था। तो इस साल हम देख रहे हैं कि इन्होंने लिंक ही नहीं किया बल्कि इसको अच्छी तरह से मेंटेन भी किया है और वाइडनिंग भी किया क्योंकि जब हम छोड़ देंगे ट्रैफिक तो ट्रैफिक में कोई हडल्स या कोई खलल नहीं आना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है और लाइट व्हीकल मीन्स उसमें हमारे टाटा मोबाइल्स भी आएंगे ताकि लोगों को फ्रेश यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह आए और रमज़ान का महीना भी आने वाला है तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जो लोग हमारे फंसे हुए हैं या श्रीनगर जम्मू में हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब तक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक आप लोग सोनावर की तरह मुँह नहीं करें। सर खासकर स्टूडेंट्स देखिए हमें बार बार बोल रहा हूँ आपका जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनको अपीयर होना है पुलिस ट्रेनिंग के जो हमारे सॉरी पुलिस के जो फिजिकल टेस्ट में जो कल से शुरू होगा उसके लिए हमने ऑलरेडी बात किया है, डिसाइड भी हुआ है BHPO से एडवाइज़र साहब से, हमने सबके नोटिस में ला के वहाँ से ये उन्होंने कहा है कि जो बच्चे पहुँच सकते हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे नहीं पहुँच सकते हैं उनको मौका दिया जाएगा, किसी को लेफ्ट ओवर नहीं होगा यानी किसी कोई छूटेगा नहीं। तो इसी परसों मेरी AD साहब से बात हुई, उन्होंने कहा था कि आप एक टेंटेटिव डे हमें असेसमेंट दे दीजिए कि हमारे कितने बच्चे श्रीनगर में हैं कितने जम्मू में हैं, तो उसका टेंटेटिव हमने लिया है कोई 800 प्लस हमारे जम्मू में है और 250 के आसपास हमारे श्रीनगर में है, वो लिस्ट आगे आ जाएगा वो आफ्टरनून में हम AD साहब को फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चों को आराम से आए कोई छूटेगा नहीं। जी शुक्रिया, थैंक यू सर।
लाख का कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका बधाई देता हूँ कि पूरा वित्र साल काम कंप्लीट हुआ था और प्रोग्रेस देख के हम काफ़ी सेटिस्फाइड हुए। और अभी जहाँ तक हमें कहा गया कि 1100 मीटर हमने कंप्लीट कर लिया है, वो हम अभी देख रहे हैं। और पूरा गाड़ियों के समेत जो है इस वक्त हम तकरीबन 1100 मीटर पे इस वक्त जब खड़े हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये स्पीड रहा तो जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है 2026 तक, बल्कि उससे पहले भी ये टनल थ्रू हो सकता है। तो ये स्पीड जो है इस साइड से नहीं, बल्कि उस साइड से भी 900 मीटर्स उन्होंने उस साइड से भी किया है। तो दोनों साइड से प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और खासकर मैं NHIDCL के जो हमारे जनरल शिव कुमार जी हैं और जिनके साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं और हमारे मेगा इंजीनियर्स हैं, उनको अपनी तरफ से बहुत ही बधाई देता हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और हम यूनियन गवर्नमेंट के और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी जी को पर्सनल इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे पर्सनल विजिट भी किया। तो जिस हिसाब से हमें ये काम प्रोग्रेस हमें देख रहा है, तो इंशाल्लाह हमारे लद्दाख मिशन के लिए बहुत ही एक खुशनसीबी होगी कि हमारा जब ये टनल बने, क्योंकि हमें पता है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हम लोग यही हमारा मेन एक डिमांड था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें जो हमारा मुतालबा और डिमांड था ये पूरा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आपका इंटरव्यू जो है हमारा मेन जो हमारा जो रोड्स हैं या यूनिट तकलीफ के हैं या देर के बाकी रोड्स हैं, उन पर भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। और अभी चाहे वो हमारा सेकंड PRO काम कर रहा होगा, आप देख सकते हैं अभी हिमाचल से जो रोड आपका संस्कार से होते हुए ढूंढो आ रहा है, इस तरह से हमारा ये जो बटालिक के से जो रोड जाएगी आपका तभी बटालिक रोड पर जो है काम शुरू हुआ। और हमें ये कहा गया कि जो जो टनल्स हमारे टनल उस पर सर्वे हो रहा है आपका PRO का, और हमारी कोशिश भी है कि जो हमारे ये आपका फतोला और नमीकला है उसके भी टनल हो, ताकि मिनिमम रोड पे टाइम पे जो है लोग मूव कर सकें। उसके बाद जो हमारा रेलवे लाइन जो बिलासपुर से लेफ्ट की तरफ है, उस पर भी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसको एक्सटेंड किया जाए करगिल तक करके बात करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जो रोड कनेक्टिविटी है वो अच्छा बने, हाईवे अच्छा बने, टनल बने, ताकि मूवमेंट जो है लोगों को आसानी हो, पर्टिकुलरली हर चीज़ को इंटर में इंटर को ध्यान में रखें।